2015 में मैंने अपना पहला अटैम्प्ट दिया नीट का उतना लाभदायक साबित नहीं हो पाया 2016 में एक अटैम्प्ट दिया अगेन अनसक्सेसफुल 2017 अगेन अनसक्सेसफुल एंड 2018 अगेन अनसक्सेसफुल चार फेलियर्स देखने के बाद इन अप्रैल 2021 आई लॉस माई मदर एंड मेरी लाइफ काफ़ी एक रोलर कोस्टर जैसी रही है मैं पहले दिल्ली में थी उसके बाद मैं बिहार शिफ्ट हुई यहाँ मैंने काफ़ी दिए फिर फेलियर्स फेस किया फिर डिप्रेशन जब मैं ठीक ही जब हो रही थी उससे निकल रही थी बाहर तो अगेन एक सबसे बड़ा पर्सनल लॉस मुझे फेस करना पड़ा लेकिन बस मैंने अपनी लाइफ में यही सीखा है कि चाहे कैसे भी परिस्थिति आए, कैसे भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आ जाए, आपको भी हार नहीं मानिए उनसे लड़िए क्योंकि कहते हैं कि गॉड गिव्स द हिज हिज बैटल्स टू सोल्जर्स नमस्ते मेरा नाम आकांक्षा सिंह है और मैं मधुबनी बिहार की निवासी हूँ मैंने छियासठवीं बी पी एस सी में एक रैंक लाकर ग्रामीण विकास पदाधिकारी का पद हासिल किया है और मेरी पोस्टिंग अभी मोतिहारी में है तो शुरू से शुरू करते हैं मैं मेरा बचपन दिल्ली में बीता है टेंथ में अच्छे मार्क्स लाने की वजह से मैंने इलेवेंथ में साइंस uh, रखा और मेरा अपना भी रुझान था कि मुझे बायो रखना है क्योंकि एक दिमाग में एक एम्बिशन सेट हो गया था कि uh, पहले मैं एम करना चाहती थी और उसके बाद एक अल्टीमेट गोल जो हमेशा से मेरा रहा बचपन से आई बनने का जी हाँ एक एडमिनिस्ट्रेशन में जाने का हमेशा से एक गोल था और इसका भी पूरा क्रेडिट पापा को जाता है क्योंकि हमेशा से वो अपनी स्टोरी हमेशा uh, से हमारे साथ डिस्कस करते थे तो हमेशा से मैंने उनकी आंखों में एक सपना देखा था कि वो एक आई बनना चाहते थे एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहते थे और वो हमेशा हमारे साथ ये चीज़ें डिस्कस करते थे तो उनकी बातें सुनकर मैं काफ़ी प्रेरित हुई बहुत मोटिवेट हुई और हमेशा से मैंने भी सोचा कि अगर ये पापा नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं उनकी बेटी ये उनका सपना पूरा करेगी तो आ, ऐसे फिर मेरे मेरा एक अल्टीमेट गोल सेट हो गया था यू में आने का एक एक एडमिनिस्ट्रेशन में बेसिकली आने का फिर उसके बाद मैंने ट्वेल्थ अपना किया बायो से उसमें भी मैंने काफ़ी अच्छा किया अपने बारहवीं के एग्ज़ाम्स में उसके बाद क्योंकि ट्वेल्थ मैंने एक स्कूल से किया था मेरी उतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी ताकि मैं नीट दे सकूँ तो मैं कोटा चली गई तो पाँच छः महीने के लिए मैं कोटा गई और फिर मैंने वहाँ तैयारी की लेकिन कोटा भी मेरे लिए उतना लाभदायक साबित नहीं हो पाया तो 2015 में मैंने अपना पहला अटैम्प्ट दिया नीट का मेडिकल में मेरा पूरा फोकस था मैंने 2016 में एक अटैम्प्ट दिया अगेन अनसक्सेसफुल टू थाउजेंड सेवेंटीन अगेन अनसक्सेसफुल एंड टू थाउजेंड एटीन अगेन अनसक्सेसफुल तो चार अटैम्प्ट देने के बाद आई वॉज नॉट इन दैट कंडीशन कि मैं किसी भी आगे किसी एग्ज़ाम के प्रपरेशन कर पाऊँ जो मैंने एक अपने लिए एम्बिशन सेट किया था कि मुझे आगे एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है पर सिर्फ ये सोच के कि आज मैं अगर एक एक ये स्टेप नहीं, नहीं कर पा रही हूँ अगर एक एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पा रही हूँ जो क्लास ट्वेल्थ स्टूडेंट्स देते हैं और फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई कर जाते हैं लेकिन uh, मैं मैंने चार अटैम्प्ट लिए बट आई एम अनएबल टू क्वालिफाई इट तो फिर मैंने सोचा कि आई डोंट थिंक सो कि मैं किसी भी एग्ज़ाम को आगे क्वालिफाई कर सकती हूँ एंड आई वेंट इन टू डिप्रेशन फॉर वन ईयर टू थाउजेंड नाइनटीन वॉज़ अ वेरी टफ ईयर फॉर माई सेल्फ बहुत ही uh, मुश्किल था वो दौर क्योंकि आई वॉज़ ट्राइंग टू रिवाइव माई सेल्फ बहुत क्योंकि uh, ग्रेजुएशन चल रहा था मेरा साथ में मेडिकल की तैयारी भी साथ में चल रही थी और मेरा ग्रेजुएशन 2018 में ख़त्म हो गया और काफ़ी मुश्किल था वो एक साल फिर भी क्योंकि चार फेलियर्स देखने के बाद बहुत मुश्किल होता है खुद को वापस से खड़ा कर पाना और फिर से किसी तैयारी में लग पाना बट एक दिन मुझे याद है मेरे दादाजी मेरे पास आए और मुझे उन्होंने कहा कि uh, तुम तुम टेंशनता क्यों करती हो तुम्हें डॉक्टर थोड़ी ना बनना था तुमको तो ऑफिसर बनना है और इस लाइन का मेरे पे ऐसा इम्पैक्ट पड़ा कि मैंने सोच लिया कि ठीक है इसको साइड करते हैं अब तक जो हुआ सो हुआ अब आगे फिर से तैयारी शुरू करते हैं और मेडिकल की तैयारी करने का कुछ मुझे जो एडवाटेज मिला था लेकिन जैसे कि सिटिंग हैबिट आपकी हो जाती है पढ़ने की आप पाँच पाँच छः छः घंटे लगातार पढ़ सकते हैं टाइम मैनेजमेंट आपको आ जाता है करना आप मुश्किल सब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज करना है वो आप जान जाते हैं तो फिर मैंने तैयारी शुरू की तो क्योंकि मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन स्टार्ट हो गया था टू में तो मैंने बुक्स मंगवाई जो हमारी बेसिक बुक्स होती हैं पॉलिटी की हिस्ट्री की जोग्राफी की एन जो होती हैं वो वो मंगाई और पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ मैंने अपनी बेसिक बुक्स साथ में पढ़ना शुरू किया तो 2020 में अ, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म होने वाला था मैंने सोचा कि नेक्स्ट ईयर मैं यू का एग्ज़ाम दूँगी प्री मै भरूंगी उसका प्री का फॉर्म तो टू में ही अ, मुझे मेरे दादाजी ने बताया कि बी पी एक एग्ज़ाम होता है और को ये देना चाहिए इसका भी सिलेबस सेम uh, ही होगा तो बिकॉज तुम प्रिपेयर कर ही रही हो करेंट अफेयर्स पढ़ ही रही हो बुक्स पढ़ ही रही हो तो इसको भी दो तो uh, उस वक्त uh, मेरे लिए बी एक बहुत ही नई चीज़ थी क्योंकि एक तो मैं बाहर रही यहाँ आई तो मैं हमेशा नीट की तैयारी में लगी रही तो मुझे इतना मौका नहीं मिला अपने प्रदेश को जानने का तो दादाजी की काफ़ी पर्सुएशन के बाद मैंने फॉर्म फिल किया एंड आई वाज लाइक कि ठीक है कोई बात नहीं दे देते नेक्स्ट ईयर तो देना ही है इसको भी दे देते हैं तो uh, मैंने आई थिंक एक महीने की तैयारी एक महीने की तैयारी इसलिए कहूँगी क्योंकि बेसिक बुक्स पहले से बढ़ रही थी पोस्ट ग्रेजुएशन के वक्त थी लेकिन एक महीने अपना uh, पूरा फोकस किया था सबको रिविजन करने में दूसरा बिहार के बारे में पूरा जानने के इससे क्लाइमेटिक कंडीशंस, जोग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी जो भी होता है कंप्लीट उसको कवर करने में और तीसरा यहाँ के करंट अफेयर्स को कवर करने में तो अराउंड वन मंथ क्योंकि हमारा दिसंबर लास्ट में एग्जाम था इन 2020 बीपीएससी बी का तो नवंबर एंड टू तो दिसंबर एंड मैंने पूरा फोकस किया बीपीएससी के प्रलम्स पे और लकली उस एक महीने की पढ़ाई की वजह से मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही बी पी एस सी प्रलम्स क्वालिफाई हो गया और क्वालिफाई जब ये हुआ तो मुझे याद है माई मदर वॉज द हैप्पीएस्ट शी वॉज़ कॉलिंग एवरी वन घर पे कि रात के 11 बजे रिजल्ट आया है शी वॉज़ कॉलिंग एवरी वन कि हो गया उसका हो गया और मुझे भी एक रे ऑफ होप मिला कि आपने लिस्ट में कहीं तो मैंने अपना नाम देखा चार साल फेलियर्स देखने के बाद अगर आप किसी एक एग्ज़ाम में क्वालिफाई करते हैं भले ही वो एक ब्रिलियम्स है तो एक उम्मीद जग जाती है आपकी खुद से कि हो सकता है कि आगे मैं इसे कर सकती हूँ तो आई स्टार्ट माई मीन्स प्रिप्रेशन बट कहते हैं ना कि खुद आप जो प्लान करते हैं वो जरूरी नहीं है वो हो ही जाए फेलियर्स ऑलरेडी मैंने देखा था डिप्रेशन देखा था जब मैंने मेंस की तैयारी शुरू की तो इन अप्रैल 2021 आई लॉस माय मदर टू कोविड एंड दैट केम आउट ऑफ अ सडन बिल्कुल नहीं सोचा था क्योंकि जिसको किस पर्सन uh, को कभी ना कोई हेल्थ इशू रहा हो uh, जिसने हमेशा फाइट किया हो हर एक सिचुएशन में uh, हमेशा हम सबकी uh, चिंता करती थी हम सबको देखती थी लेकिन आज वही नहीं रही तो चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई उसके बाद मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था कि मुझे कोई एग्ज़ाम देना है कोई मेंस है कोई बीपीएससी है कोई एडमिनिस्ट्रेशन है आई गिव अप ऑन माय ड्रीम्स एंड ऑन द अदर हैंड आई शिफ्टेड माय प्रायोरिटी ऑन माय फैमिली मेरा काम था मेरे घर में मेरे बूढ़े दादा दादी थे जिनके लिए हम कुछ साल पहले ही दिल्ली से बिहार आए थे मेरे घर में पापा थे जो काफ़ी अकेले हो गए थे आई हैव सीन हिम उन इस एक, एक साल में किस तरह से वो उन्होंने खुद में ही खुद को बंद कर लिया था हमेशा मेरे छोटे भाई बहन माई माई ब्रदर वॉज इन क्लास ट्वेल्थ उस वक्त बाहर जाने की हिम्मत होती नहीं थी किसी से बात करने का मन करता नहीं था और जब जब जुलाई जुण आया तो जैसे कि मैंने कहा कि मेरी प्रायोरिटी शिफ्ट हो चुकी थी मुझे कोई एग्ज़ाम देना नहीं था बट मेरे पापा को कहीं से पता लगा कि मेंस का डेट शीट आ चुका है और जुलाई एंड में ही मेंस का एग्जाम है तो ही वो आए मेरे पास और उन्होंने मुझे बोला कि बैठा के कि देखो हम सब तुम्हारे साथ हैं और किसी से कोई डरने या घबराने की बात नहीं है हम सब करेंगे मिल हर काम करेंगे संभालेंगे घर को लेकिन तुम अपना एग्जाम मत छोड़ो तुमको एग्ज़ाम देना है और तुम इसको एग्जाम को तो दो ये सुन के और मुझे लगा कि क्या पता अगर इन लोगों को इसी से खुशी मिलती है कि मैं एग्ज़ाम दूँ कुछ अच्छा करूँ तो ठीक है मैं दूँगी एग्ज़ाम तो मैंने एक रूटीन बनाया अपना सुबह पाँच बजे से रात के बारह बजे तक कि सुबह पाँच बजे से किस तरह से मुझे ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना है डिनर प्रिपेयर करना है लंच प्रिपेयर करना है दादी और दादाजी की देखभाल करनी है उनके मेडिसिन उनको मेडिसिन देने हैं से लेकर रात के बारह बजे तक कि मुझे अपने अपनी पढ़ाई पे कैसे फोकस करना है किस तरह से मुझे स्ट्रैटेजी बनानी है तो पच्चीस दिन कि मेरी स्ट्रैटी रही थी ये और मेरा एग्ज़ाम था जुलाई एंड में मेरे मेंस के एग्ज़ाम से मैं पटना आई मैंने एग्ज़ाम दिया मेरे बस दिमाग में यही चल रहा था कि मुझे घर जाना है किसी न किसी से घर मुझे पहुँचना है जो एग्ज़ाम है मैं मैंने बस उसको लिखा जितना मुझे आता था मैं लिखा और मैं मैं अपने घर आई नेक्स्ट ईयर जब मेन्स का रिजल्ट आया एंड मैंने इसको भी क्वालिफाई जब किया तो जो मैंने खुशी देखी अपने घर वालों के फेस पे बहुत दिन बाद उससे जाके मुझे कुछ परसेंट सेटिस्फेक्शन मिला अपने लाइफ में कि अगर मतलब मैंने बहुत दिन बाद उनके चेहरे पे खुशी देखी थी मुझे थोड़ा हौसला बढ़ा और मैंने सोचा कि कोई नहीं इस बार पूरी मेहनत करके जब यहाँ तक पहुँच गए हैं तो इसका इंटरव्यू भी क्वालिफाई किया जाएगा तो फिर मैंने उसकी मेहनत की और फिर मैंने इसका इंटरव्यू दिया वी का और फॉर्चुनेटली पहले अपेंट में मेरा हो भी गया इसमें तो जब ये हुआ जब इसका रिज़ल्ट आया तो मेरे लिए वो बहुत खुशी का पल था सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था क्योंकि अब वो मेरे लिए एक लास्ट चीज़ थी सबसे इम्पॉर्टेंट था कि घर वालों के चेहरे पे जो खुशी देखी कि एटलीस्ट इतने दिनों बाद वो खुश हैं किसी चीज़ को इंजॉय कर रहे हैं लोगों से बात कर रहे हैं इंटरेक्ट कर रहे हैं तो मेरे लिए एक बहुत बहुत ही खुशी का पल था वो तो इस तरह से मेरे बी पी एस सी अपना क्वालिफ़ाई किया और ये मेरी एक लाइफ स्टोरी थी तो एक समरी मैंने दे दी कि किस तरह से मैंने अपना बी पी एस सी क्वालिफ़ाई किया फ़र्स्ट अटेम्प्ट में कितने हर्डल्स के साथ तो बी पी एस सी प्रलिम्स के लिए आ, मैं कहूँगी कि बेसिक बुक्स वही रहती हैं जो आप पढ़ते हैं पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत होता है हिस्ट्री के लिए के आर के शर्मा और जो बुक्स रहती हैं बेसिक बुक्स बस साथ में आप एक्स्ट्रा यही ऐड कर सकते हैं कि जो बिहार स्पेसिफिक करंट अफ़ेयर्स होते हैं और बिहार स्पेसिफ़िक बुक्स जो होती हैं उन पे फोकस करें और डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करें जो मंथली जो कंपाइलेशंस uh, आती हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की करंट अफेयर्स की उसको फोकस करें तो आई थिंक ये मोर देन इनफ है और आप बहुत ही आराम से बी पी एस सी कर सकते हैं बेंस की स्ट्रैटी मेरी थोड़ी अलग थी क्योंकि मैंने कहा मेरे पास सिर्फ पच्चीस दिन थे तो बुक्स वही थी उन्हीं को पढ़ा था लेकिन इस पच्चीस दिन में बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग की थी मैंने मैंने अगेन कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं मैं कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं गई थी मैं मॉक पेपर नहीं दिया था कोई मॉक इंटरव्यू नहीं दिया था मैंने सब सिर्फ सेल्फ स्टडी से किया है तो जो मेंस का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए आंसर राइटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है तो बेसिक्स आपके प्रिपेयर हो जाते हैं बुक से करंट अफेयर्स से आपके पास फैक्ट्स आ जाता है आपको मटेरियल आ जाता है तो करंट अफेयर्स फॉलो कीजिए बेसिक बुक्स करिए और आंसर राइटिंग काफ़ी कीजिए आई थिंक आंसर राइटिंग वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसने मुझे हेल्प की क्वालिफाई करने में और जब हम इंटरव्यू की बात करते हैं तो इंटरव्यू में अगेन करंट अफेयर्स को आप फॉलो करते रहें और क्योंकि जो इंटरव्यू होता है एग्जाम का चाहे बी की बात करें या, या यू की तो जो इंटरव्यू होता है वो बेसिकली uh, आपकी पर्सनालिटी को जज करता है आपकी नॉलेज को ऑलरेडी जज किया जा चुका है दो एग्ज़ाम में तो अभी आप, आपका एप्टीट्यूड क्या है आपकी पर्सनालिटी कैसी है आप किस तरह से uh, बोल पाते हैं किस तरह से आप uh, मुश्किल सिचुएशन को फेस कर पाते हैं ये उसमें देखा जाता है तो अगर मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता हो तब भी किस तरह से आप धैर्य बनाकर आप अपना जवाब देते हैं कि सॉरी मैम मुझे ये नहीं आता है बट मैं इसे ज़रूर पढ़ूंगा तो ऐसा बोलने से जो एग्जामिनर्स होते हैं उनको भी ये समझ में आता है कि ये पर्सन एटलीस्ट जानता नहीं है पर ये जानने का इच्छुक है तो इस तरह से आपकी पर्सनालिटी वहाँ देखी जाती है और यही आपकी यूएसपी रहती है इंटरव्यू को क्वालिफाई करने में फॉर तो नीट एक्सपिर क्योंकि मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाई तो मैं एटलीस्ट आपको वो गलतियाँ बता सकती हूँ जो मैंने की और मुझे लगता है कि इन गलतियों की वजह से मुझे बार बार अटैम्प्ट देने पड़े पर मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी तो पहला जो हमारी गलती रहती है वो है स्ट्रैटी बहुत लोग जो होते हैं वो सिर्फ सीधा अपने किताब खोल के प्रैक्टिस करने लग जाते हैं पढ़ने लग जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्ट्रैटजी और मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि जो यहाँ जो मैं गलतियाँ गिनवा रही हूँ यही गलतियाँ मैंने ने बीपीएससी में नहीं की थी सबसे पहले मैंने स्ट्रैटेजी बनाई थी तो स्ट्रैटेजी बनाइए सबसे पहले किस तरह से आपको कौन से सब्जेक्ट्स पे कितना फोकस करना है दूसरा वीकनेस आपको अपनी वीकनेस पता होनी चाहिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है मान लीजिए बहुत से ऐसे बायो बायो के जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनका फिजिक्स वीक रहता है तो फिजिक्स को अपनी प्रायोरिटी बनाइए तीसरा जो मैं बोलूंगी वो है आ, स्टडी मटेरियल्स क्योंकि हम एक टेक्नोलॉजी के एरा में रह रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास यूट्यूब गूगल बहुत से ऐसे साधन हैं जहाँ से हमें बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल हो जाते हैं लेकिन ये जान पाना कि हमें कहाँ से पढ़ना है कितना पढ़ना है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है तो कोशिश कीजिए कि अपनी जो बेसिक बुक्स हमारी होती है एन उसी को फॉलो करें उसी पर पूरा फोकस रखें और प्रैक्टिस करें जितना हो सकता है बस मुझे लगता है ये मेरी गलतियाँ रही जिसकी वजह से मेरा नहीं हो पाया मेरी कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी मेरे पास बहुत सारा स्टडी मटेरियल था तो उसकी वजह से मुझे लगा कि मेरे मेरी असफलता हुई नीट में तो सबसे मुश्किल जो सिचुएशंस होते हैं परिस्थितियाँ उन्हीं के जीवन में आती हैं जो उससे लड़ने की क्षमता रखते हैं तो कभी हार नहीं मानना है आगे बढ़ना है हमेशा और हाँ फाइनली कोई भी एग्ज़ाम लाइफ और डेथ का सवाल नहीं होता है हमेशा हर एक, एक को एक, एक की तरह लें और मन का हो तो अच्छा ना हो तो और अच्छा मैंने तो बस यही सीखा है अपनी जिंदगी में और हमेशा बस आगे बढ़ना है सब एक करू, करू, जत्ते से एक सब्सक्राइब करू लाइक करू मैथिल जत उनका बीच में शेयर करू और नया नया प्रेरणादायक कहानी बहुत सारा खिस्सा अंक सुनने ला मिलत बस बनल